वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक फ्रेंड्स। इस हफ्ते की फिल्म जो हम रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की जो फिल्म है बहुत बड़ा एक कदम है स्वच्छ भारत अभियान के प्रति। और जिस तरह से इस फिल्म में हमें दर्शाया गया है कि किस तरह हम नाटक करते हैं यार, कि हमको इंडियन में हगना है, वेस्टर्न में हगना है, वो गांव के बारे में सोचिए जहां फ्रेंड्स संडास ही नहीं हो। यस फ्रेंड्स, चूंकि ये परंपरा के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है, और किस तरह वहां पे धर्म के पुजारी लोग श्लोकों का सहारा लेके हमें बेवकूफ बनाते हैं कि भाई घर में शौच नहीं करना चाहिए, नदी चले जाओ, बाहर चले जाओ, और किस तरह औरतें समाज की परंपराओं में बंद कर रह गई हैं। और आज भी ऐसे कई गांव हैं फ्रेंड्स हिंदुस्तान में जहां पर शौचालय नहीं है, और किस तरह फिल्म में एक कपल के द्वारा, यस फ्रेंड्स, एक शादीशुदा जोड़े के द्वारा अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर जो तलाक की अर्जी डालते हैं कोर्ट में, और उस अर्जी के वजह से जो पूरा सिस्टम हिल जाता है, और उसके वजह से उस गांव में संडास बनाने के लिए पहले सरकार 1 साल का टाइम मांग रही थी, वो अब सरकार 12 घंटों में संडास बनाने का काम शुरू कर देती है। यही है इम्पैक्ट फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का। और फ्रेंड्स, सोशल कॉजेस पे जो फिल्म्स रहती है फ्रेंड्स, काफी आर्ट मूवी टाइप रहती है, हमेशा काफी बोरिंग एंगल पे लेके चली जाती है, लेकिन फ्रेंड्स फिल्म का जो टाइटल है टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा है। जहां पर फिल्म टॉयलेट की बात करना चाहती है वहां पर टॉयलेट की बात करती है, और जहां पर फिल्म प्रेम कथा की बात करना चाहती है प्रेम कथा की बात करती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक दावे से कह सकता हूं कि इस साल की नहीं बल्कि पिछले 5 साल की सबसे बेस्ट रोमांटिक फिल्म हो तो वो है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अक्षय कुमार दिल जीत लेता, वो नायकी को क्या नायक, कैन यू इमेजिन, अक्षय कुमार ने पूरे फिल्म में फेक ब्रांड्स पहने हैं, नाइकी को नायक लिखता है, लेविस को लिवाइस को एल्विस बना देता है, टॉमी हिलफिगर को टॉमी बॉय पहन के घूमते हैं, और जिस तरह से जो डायलॉग्स बोले हैं ये लोग ने, अरे मन्ने शादी होगो, मन्ने खाना खाओ, अरे क्या डायलॉग्स है। लिटरली उसका जो बाप बना है इस फिल्म में सुधीर पांडे, उसने जो एक्टिंग की है माइंड ब्लोइंग। अक्षय कुमार को उसने थप्पड़ मारा है, उसके पिछवाड़े पे लात मारी है, और अंत तक जब उसकी खुद की बुआ जी की गांड फ्रैक्चर नहीं हो जाती है, उसे ये एहसास नहीं होता है कि संडास कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और फ्रेंड्स, फुल मार्क्स देना चाहूंगा मिस्टर सिंह को, जिसने श्री नारायण सिंह से फिल्म डायरेक्ट किया बेहतरीन, और सोनू निगम कितने सालों के बाद हसमत पगली प्यार हो जाएगा, मेरी आवाज से मत जाओ, उसने बहुत अच्छा गाया फ्रेंड्स फिल्म में। और अक्षय कुमार, फिल्म में बता दे कि अक्षय कुमार 36 साल का है, मैं उससे छोटा उम्र का, लेकिन अक्षय मेरे से यंग लगा फ्रेंड्स फिल्म में। अक्षय कुमार का जो मुंह पे चाम है यार, अक्षय कुमार का एक सीन है फ्रेंड्स, उसका बाप उसकी जो संडास मेहनत से संडास बनाता है अपने बीवी के लिए, उसकी बाइक भी बेच देता है, और जिस तरह उसका बाप संडास तोड़ देता है, अक्षय कुमार आज भी खिलाड़ी फिल्म में जो जंप मारा था उस बंदे ने, वो जंप आज भी बरकरार है। किस तरह से कूद के आके रोता है कि अरे एक संडास नहीं बना सकते तुम लोग मेरे लिए, हाँ कर लेना मनमानी, तोड़ देना मेरी मेहनत की तो कमाई की संडास, और वो रोता है। अब हंसोगे भी आप, रोगे भी, लेकिन फ्रेंड्स अक्षय कुमार की केमिस्ट्री भूमि पेडनेकर के साथ, जिस बंदे ने भी भूमि पेडनेकर को उसके वजन के वजह से बॉडी शेम किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, आज ये फिल्म देखकर फूट फूट के रोएगा, क्योंकि फ्रेंड्स भूमि पेडनेकर इज अ ब्यूटीफुल वुमन। सीरियसली बोल रहा हूं, मैं पिछले काफी अक्षय की फिल्मों से खुश नहीं था, उनके हीरोइंस के साथ, चाहे वो उमा कुरैशी को ले लो या निमरत कौर को ले लो, अक्षय कुमार नीड्स अ गुड हीरोइन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छी हीरोइन नहीं थी, लेकिन भूमि पेडनेकर की जो केमिस्ट्री अक्षय के साथ, मुझे रवीना और शिल्पा की याद दिला दी, कितना कुछ कुछ सीन मुझे ऐसा लगा था लोग असली में मियां बीवी है, जिस तरह अक्षय बोलता है यार अरे तूने मेरे व्हाट्सएप की फोटो देखी रात को, मेरे को पता है तूने मेरे होठों पे उंगलियां फैलाई थी, और किस तरह से भूमि पेडनेकर उसका मुंह छूती है, ऐसा लगता है लोग रियल हस्बैंड एंड वाइफ यार, इतनी अच्छी कॉमेडी। वेल फ्रेंड्स, जब फिल्म की कॉमेडी की बात की, अक्षय कुमार फिल्म में क्रेजी, अक्षय कुमार होने के बावजूद भी अगर दिव्येंदु कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल जाए कि भाभी जवान हो गई दूध की दुकान हो गई, तो आपको हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी। और जब एक सीन में भूमि पेडनेकर खेतों में संडास कर रही है, अक्षय कुमार का बाप सुधीर पांडे स्कूटर से धक्का धक्का जा रहा है, उसको हंसते हुए देख के गिर जाता है, और किस तरह पिशाब करते करते वो हाथ अक्षय के मुंह पे लगाता है, और दिव्येंदु बोलता है अरे बाबूजी का पिशाब तेरे मुंह पर है,
लिटरली यू नो टॉयलेट एक प्रेम कथा इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2017। पैसा वसूल एंटरटेनमेंट और इंटरवल के बाद जो हमारी आंखें खोल देता है कि फ्रेंड्स हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, एक संडास को लेके इतना झगड़ा। आई मीन फुल मार्क्स टू मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी फॉर मेकिंग दिस स्वच्छ भारत अभियान मिशन सो प्रोमिनेंट एंड सो यू नो इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी में कि आज फ्रेंड्स इस फिल्म के वजह से भी बहुत सारे घरों में एक संडास होगी जो कि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब या जिन लोगों को पूरा रिव्यू सुनना है वो सुन सकते हैं, बाकी लोग घर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्म की शुरुआत होती है किस तरह से ट्रेन में अक्षय कुमार की मुलाकात होती है भूमि पेडनेकर के साथ। पहला सीन काफी बेहतरीन है फ्रेंड्स, किस तरह से वो लोग संडास के बाहर मिलते हैं और अक्षय कुमार की एक्चुअली साइकिल की दुकान रहती है, राधे राधे साइकिल्स की दुकान रहती है। अक्षय कुमार का नाम इस फिल्म में रहता है केशव। किस तरह से यू नो भूमि पेडनेकर बाप अक्षय कुमार से साइकिल ऑर्डर करता है, लेडीज साइकिल, और अक्षय कुमार दिव्येंदु साइकिल लेके चले जाते हैं जेंट्स और बोलते हैं के होगो डंडा काट दो आरी से साइकिल लेडीज की हो जाएगी। ओ एक्सेलेंट सीन, भूमि पेडनेकर आती है, अक्षय कुमार उसको देखता है और किस तरह से अक्षय और भूमि के बीच में प्यार हो जाता है, बहुत अच्छी सीन है। लेकिन भूमि पेडनेकर अरे यार गट्स लगता है अक्षय के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए। सीरियसली स्पीकिंग फ्रेंड्स भूमि पेडनेकर ने अक्षय के कंधे से कंधे मिला के काम किया है। और जब वो कहती है उस जमाने में यू नो डंडे वाली साइकिलें चलाती थी यू नो क्योंकि शलवार पहना करती थी लड़कियां इससे उन्हें प्रॉब्लम होती थी, अभी हम जीन पैंट पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेहतरीन डायलॉग्स फ्रेंड्स, किस तरह से अक्षय कुमार को पता चलता है। मैं फुल मार्क्स पहले देना चाहूंगा जिस भी आदमी ने इस फिल्म को शूट किया है, सिनेमाटोग्राफर को, रियल लोकेशंस, लाइव लोकेशंस, कॉस्ट कटिंग, किस तरह अक्षय चाहे तो 60-70 करोड़ की फिल्म बना सकता है यार, वो रिकवर कर लेगा उसको मालूम है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये फिल्म 19 से 20 करोड़ रुपए में बना है इस लोगों ने, काबिल तारीफ। और ये तो एक दिन का कलेक्शन है इस फिल्म का। एरियल ड्रोन शॉट्स, होली के सीन, और किस तरह से वहां के लोगों की परंपरा फ्रेंड्स, होली में यू नो वो पति हाथ में वो पकड़ते हैं और पत्नियां डंडे मारती है, काफी बेहतरीन सीन। किस तरह से गांव में चक्की चूल्हा रहता है और गांव की औरतें किस तरह से घूंटों में घूमती है, पंचायती का कल्चर। ये फिल्म नॉर्थ इंडिया में बंपर ओपनिंग है फ्रेंड्स, सुपर हिट जाएगी और जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया के बहुत पसंद आएगी फिल्म। यूएसए यूके में भी काफी चलेगी क्योंकि हमारा काफी अच्छा कल्चर दिखाया है इस फिल्म में। तो मैं कहानी आगे बढ़ते हुए पता चलता है कि जो भूमि पेडनेकर रहती है वो एक टॉपर रहती है। आपने अपने एरिया में देखा होगा क्लासेस के फोटोज लगते हैं, जो लड़की ने टॉप किया उसकी फोटो, जिसको 100 मार्क मिले उसको 99 मिले, वैसे भूमि पेडनेकर की फोटो रहती है। अक्षय कुमार क्या करता है, अक्षय कुमार अपनी साइकिल की दुकान के प्रमोशन के लिए भूमि पेडनेकर की फोटो लगा देता है। इन शॉर्ट भूमि पेडनेकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। तब गाना आता है हंसू मत पगली प्यार हो जाएगा, बेहतरीन। अक्षय ऐसा लग रहा है यार अभी वो खिलाड़ी में गाना गाया ना, तुझको क्या समझती है इतना अकड़ती है, ऐसा लग रहा था वही अक्षय, पर मुझे लगा क्या आ गया इतना यंग और क्या दिख रहा है अक्षय, ड्रीम तो बेहतरीन लग रहा है अक्षय फिल्म में। तो फिर कहानी आगे बढ़ती, भूमि पेडनेकर गुस्सा आता है, वो कहती है कि यू नो तूने कैसी मजाल की थी, किस तरह तुमने मजाल किया मेरी फोटो लगाने के लिए। अक्षय कुमार बोलता है अरे यार हम तो तुमसे प्यार कर बैठे यू नो दिल दे बैठे। भूमि पेडनेकर बोलती तुम्हारे मेरे बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये सब दिमाग से बात निकाल दो, तुम लड़कों को सिर्फ घूरने आता है और कुछ करने नहीं आता। उसके बाद अक्षय कुमार डायलॉग बोलता है कि यू नो पंडित का बेटा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहली बार जब देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था, चाहता था जिंदगी में कुछ रोमांच आए। वो डायलॉग जिसने भी लिखे माइंड बॉगलिंग, इतना अच्छा डायलॉग फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे अच्छा डायलॉग मुझे ये अच्छा लगा कि दिव्येंदु आके अक्षय कुमार की मसाज करता है और कहता है कि भाभी जवान हो गई, दूध की दुकान हो गई। होली का सीन आता है फ्रेंड्स, ड्रोन शॉट होते हैं, अक्षय कुमार लिवाइस के बदले एल्विस का टी शर्ट पहन के जाता है। और किस तरह से जब अक्षय कुमार डायलॉग बोल के जाता है कि मैं तुझसे प्यार करता था लेकिन ला तेरा मोबाइल दे, दोनों के नंबर डिलीट कर देता है फ्रेंड्स। और किस तरह से उसके बाद भूमि पेडनेकर भी अक्षय कुमार से प्यार करती है और फीमेल वर्जन आता है हंस मत पगली का। इतना बेहतरीन रोमांस इस फिल्म में दिखा है फ्रेंड्स, आई मीन ऐसा लिटरली लग रहा था कि अक्षय भूमि का बेस्ट जोड़ा है एवर सीन, एटलीस्ट ये साल में तो बहुत अच्छा सीन है फ्रेंड्स। उसके बाद अक्षय कुमार और दोनों के बीच में शादी करने का फैसला हो जाता है। अक्षय कुमार जब जाता है भूमि पेडनेकर के घर पर रिश्ता लेके, तब उसमें एंट्री होती है अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने इस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की, आई मीन लिटरली जब से वो एमपी बने हैं उन्होंने एक्टिंग करना यू नो अब तक खुल के छोड़ दिया। इस फिल्म में बिंदास अक्षय कुमार को बोलती थी सनी या मलिका कौन पसंद है,
अक्षय कुमार बोलते हैं अरे ये क्या पूछ रहा है भाई, वो सनी के मलिका, अक्षय कुमार बोलता है सनी, ओ वेरी गुड, मुझे तो रिश्ता मंजूर है। तो मैं रिश्ता मंजूर होता है, लेकिन अब फिल्म में आने वाले सुधीर पांडे नाम का जो आदमी है, इसने तो खतरनाक काम किया। वो अक्षय कुमार को मूंद के हाथ लगा देता है, बोलता है अरे तेरे को वैसे ही ग्रह है। तो फ्रेंड्स पहले अक्षय कुमार की स्टार्टिंग में दिखाया था, फिल्म में एक शादी हो रही थी जानवर के साथ, तो ये ऑब्वियसली उसकी दूसरी शादी है। देखिए उसका बाप चाहता है उसको, यू नो जो बहू है उसकी दो उंगली हो, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन की बहुत बैंड बजाई फिल्म में, यू नो पहली बार जब बोलते हैं ऋतिक को रोशन की दो उंगली की फोटो दिखाते हैं, उसके बाद बीवी भाग जाती है, उसको बोलते हैं कि ऋतिक रोशन की बीवी भाग गए। अक्षय कुमार का पड़ोसी ऋतिक रोशन, पता नहीं फिल्म देखने के बाद क्या होगा, पिछले साल मोहिंदोदार और रुस्तम की भिड़न हो गई, फिर भी ऋतिक रोशन इज वेरी कूल, वो ज्यादा यू नो रिएक्ट नहीं करते सिचुएशन पे। तो बस कहानी आगे बढ़ती है, भूमि पेटने का नकली उंगली लगा के शादी हो जाती है, शादी का सीन। फ्रेंड्स आई थिंक इंडिया में अगर कोई फिल्म बनी हो शादी पे, तो पहला दर्जा मैं दूंगा मॉनसून वेडिंग को और दूसरा दूंगा बैंड बजा बारात को। लेकिन अक्षय कुमार की जो शादी दिखाई गई इस फिल्म में, ओ हाथ में लोग ट्यूबलाइट लेके खड़े, अक्षय डटर 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 नाच रहा है, उसका बाप भी नाच रहा, क्या शादी। लेकिन सुहागरात का सीन है, ओ ऐसा लग रहा था कि रियल में दोनों शादी कर ले, भूमि पेटने अक्षय कुमार की सुहागरात हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स जब कहानी आगे बढ़ती है कि सुहागरात के दिन किस तरह से अक्षय कुमार भूमि पेटने का चिल्ला रहे, आवाजें आ रही है, अरे अरे हाथ मत लगाओ, उसका बाप बोलता है भैंस की आंख, और उसका बाप तो खतरनाक पागल है पिक्चर में, एकदम सटकेला है। शुरुआत होती है कि फ्रेंड्स सुबह यू नो जो आते हैं लोग, लोटा गैंग वाले बोलते हैं चलो हकने के लिए जाना है, सब औरतें लोग आती है, तो उसकी भूमि पेटने का की सटक जाती है, क्योंकि लिटरली मैं देख रहा था तभी मुझे इतना बुरा लगा, फ्रेंड्स औरतें ऐसी ऐसी बैठी है और हग रही है लिटरली, अभी देख के डर लग गया मेरे को। भूमि पेटने आके बोलती अक्षय कुमार को, घर में संडास नहीं थी, धंडास क्यों नहीं बनाया तूने घर में, तो छोड़ के चले जाऊंगी। फ्रेंड्स उसके बाद अक्षय कुमार किस तरह अपने बीवी को यू नो टॉयलेट कराने के लिए जो ठोकरे खाता है, अपने प्रधान के घर पे लेके जाता है, क्योंकि प्रधान के घर में नानी बीमार है, वहां जाकर संडास कराता है। और एक सीन राइटर को फुल मार्क्स देना चाहूंगा, किस तरह से वहां पे नजदीक में यू नो एक स्टेशन है, वहां पे ट्रेन आती है जो 7 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे रुकती है, किस तरह वो अपनी बीवी को रोज यू नो ट्रेन में टॉयलेट कराने लेके जाता है वो 7 मिनटों के लिए। बहुत अक्षय कुमार ने डेडिकेटेड काम किया फिल्म में फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स एक दिन सब चीजें गलत हो जाती है और भूमि पेटनेकर टॉयलेट में फंस जाती है और ट्रेन निकल जाती है। अक्षय का सीन, अक्षय कुमार फैंस ये सीन वाट, थिएटर पागल हो गया। अक्षय कुमार बाइक लगा स्टेशन पे आके बोलता है चेन खींच चेन खींच चेन खींच, लेकिन भूमि पेटनेकर का जो इमोशनल भूमि पेटनेकर नहीं बोलती, नहीं खींचूंगी चेन, देख तेरे संडास की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई। ट्रेन निकल जाती है, अक्षय प्लेटफॉर्म पे ब्रेक मारता, फिल्म का इंटरवल इंटरवल तक फिल्म फाड़ू है, पैसा वसूल, इंटरवल है, पब्लिक चिल्ला रही थी सुपर हिट फिल्म है। फ्रेंड्स इंटरवल के बाद जो होता है वो इससे दमदार है। इंटरवल के बाद भूमि पेटनेकर को छोड़कर अपने यू नो ससुराल चली जाती है, तभी फ्रेंड्स सचिन खेड़ेकर यू नो फिल्म का डायरेक्टर बने इस फिल्म में, और यू नो हमें शूटिंग लोकेशन दिखाया जाता है किस तरह से अगर शूटिंग करने जाओगे तो वहां पे संडास रहती है। यस फ्रेंड्स टॉयलेट रहती है, मैं मुझे संडास ही निकलने जा रहा है, टॉयलेट रहती है क्योंकि फ्रेंड्स टॉयलेट वहां पे पोर्टेबल टॉयलेट रहती है सेट्स पे। यस फ्रेंड्स टॉयलेट स्विच कैन बी लिफ्टेड एंड टेकन, अक्षय कुमार संडास चोरी कर देता है, पूरा पोर्टेबल टॉयलेट चोरी कर लेता है। और किस तरह से यू नो भूमि पेटने का अपनी जो उंगली रहती है शादी में, वो दिखाया था ऋतिक रोशन वाली जो थंब, वो उसके बाप को मिल जाती है, उसको बाप उसको मारता है, फटका मारता है। और किस तरह से यू नो एक बुआ जी रहती है, जाके भूमि पेटने को कहती है कि मुंह काला कर रही है अपना, चल घर पे खंडास के लिए पति को छोड़ आई, हाँ शर्म नहीं है। तब भी भूमि पेटने को बोलती है क्यों मरद घर के पीछे संडास कर सकते हैं, लेकिन हम औरतों को खेतों में जाना पड़ता है, अपनी सोच बदलो। वो डायलॉग तो एपिक है फ्रेंड्स। किस तरह होली का सीन रहता है, वापस एक साल बीत जाता है, सचिन खेड़ेकर अक्षय की बेल कराता है, वो सीन मुझे लगा कि शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स वो हिसाब से अगर देखने जाए तो ये फिल्म यू नो बहुत लंबी भी है, लेकिन एवरीथिंग इज इन प्लेस, ऐसा कोई सीन था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगता। होली के बाद भी उसकी बीवी नहीं मानती है, अक्षय कुमार बोलता है अब तो मैं पंचायत से लड़ूंगा, पंचायत बोलते हैं श्लोक में ये लिखा है यू नो ऐसा लिखा है, अक्षय कुमार बोलता है श्लोक का एक ही पन्ना पढ़ने से श्लोक पूरा नहीं होता, दूसरा पन्ना क्या थूक से चिपका दिए थे, पूरा पन्ना पढ़ो, हमें सिखाया गया है कि यू नो नदियों के पास भी शौच नहीं करना चाहिए। ब्यूटीफुल डायलॉग। और किस तरह भूमि पेटनेकर बताती है कि 3,000 करोड़ का स्कैम है, संडास से नहीं बनी, लोगों को संडास दी गई थी तो लोग खुले में आगना पसंद कर रहे हैं और उन्हीं संडासों में उन लोगों ने दर्जी की दुकान हजाम की दुकान खोल दी है। किस तरह से अक्षय कुमार फाइल लेकर सरकार से लड़ता है और जो अंत में डायलॉग आता है
पर के क्या पर सोच पे पर्दा मत डालो, सोच पे पर्दा डालो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टैंडिंग ओवेशन, लिटरली बोला पब्लिक ताली मार के थिएटर से निकली है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो सेकंड हाफ के बाद जो दिखाया जाता है जो अक्षय की जो जंग जिस तरह से उसको खाली गांव में संडास नहीं बनानी, उसको अपने घर पे भी संडास बनानी है। गांव में तो परमिशन मिल जाएगी कि क्या उसका बापूजी मानेगा, और बापूजी तो खतरनाक है, उसकी बुआ की गांठ फ्रैक्चर हो जाती है। वो सीन तो मैं हंस हंस के मेरे पेट दुख गया, उठा मुझे मुझे संडास आ रही है भाई, तेरी कर दूंगी। बहुत अच्छा सीन फ्रेंड्स। टॉयलेट एक प्रेम कथा हमें बहुत ही अच्छे हंसी खेलते हुए मजाक में एक बहुत ही सीरियस मैसेज छोड़कर गई है। अक्षय कुमार को मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फिल्म के द्वारा हमें प्रस्तुत किया है कि हंसते खेलते जो लोग बात समझ जाते हैं वो गुस्से से नहीं समझते। फुल मार्क्स देना चाहूंगा मैं इस फिल्म को। मैं देखता हूँ टॉयलेट प्रेम कथा को 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स। जिस भी इंसान को ये फिल्म पसंद नहीं आए लगता उसके घर में संडास नहीं है, इसीलिए वो जल रहा है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये था फिल्म रिव्यू ऑफ टॉयलेट एक प्रेम कथा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, रिव्यू को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन आई ऑलवेज से हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। जस्ट किडिंग मैन, स्टे कूल मैन।